मैच के बाद उसने स्टेटमेंट दिया है कि अगले 3 मैच जो होम पे होने वाले हैं उसमें फायर क्रैकर्स के लिए रेडी रहो। और उससे किसी वेबसाइट इंटरव्यू के लिया था, CNBC 18 ने लिया है, उन्होंने पूछा था कि विच आर द 4 टीम्स फॉर द वर्ल्ड कप टॉप 4। उसने बोला वन इज ऑस्ट्रेलिया, 3 यू कैन पिक। पूछा हु डू यू वॉन्ट, यू कैन डिसाइड, आई डोंट केयर। पर लैंडी बलट्रा, एक लैंडी बलट्रा, मैं कोहली बलट्रा, मेरी क्लिप काट के मुझे दिखा देना मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर मैंने सूर्य को कभी ये बोला, मैंने बोला कि हाँ वो अगेंस्ट यूएसए 30 बॉल 100 मार सकता है, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि बाकी मैच में नहीं मारेगा। उनको तो मतलब उसका ये है कि मिनो क्रशर, मिनो को तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन बाकी टीम के भी अगेंस्ट, अगर किसी के पास T20 का कोड है वो सूर्य ही है भाई। 40-50 नहीं मारता, सेट हो गया तो बट सेंचुरी मारता है। रुको 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 रुको, इफ यू आर न्यू टू द चैनल पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद एंजॉय करो पूरा वीडियो, पहले सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग आईपीएल मॉर्निंग्स विद टू स्लॉगर्स। वही है भाई, एक दो रात के लिए साथ आते हैं, कल आएगा मैच के बाद या नहीं। कैसे हो भाई लोग, कैसे हो लैंडियो? सुबह सुबह उठ के पहली वीडियो दिन की हमारी देख रहे हो। एक मैंने पैटर्न नोटिस किया है तरन, कि हमने यहाँ से जडेजा के बारे में 4 बातें बोली, उसने हमारे मुंह पे जूता फेंक के मारा अपनी परफॉर्मेंस से। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। हमने विराट कोहली का कुछ हल्का फुल्का बोला, विराट कोहली ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। हमने हार्दिक पांड्या के बॉलिंग को क्वेश्चन किया, उसने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इज इट नाउ द टाइम टू क्वेश्चन रोहित शर्मा, क्योंकि उसके 5 मैच में 31 रन है। जब उनका 100 आया है, 100 से बात की रोहित शर्मा की एवरेज है 6 की। लेकिन जब ये थोड़ी लाइट पे बात कर रहे हैं तो अपना 1 2 3 4 यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इन सब की 100 आ गई है। बहुत बढ़िया। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए टूर्नामेंट खत्म है। हाँ, उनके लिए खत्म हो चुका है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल रहे हैं। अब तो यही है कि जितने मैच जीता है उतना इंश्योर किया जाएगा कि GT नंबर 10 पे रहेगी और हम लोग उससे ऊपर रहने वाले हैं। पंजाब शायद 9 पे भी रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का अब फिर से डिप आ जाए, वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम। सीधे अगर आज के मैच की बात करें भाई, SRH ने टॉस हारा, टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, बोला आप पहले बैटिंग करो। टॉस अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। हाँ, सामने फाफडू प्लेस ही चाहिए उसके लिए, तो फिर तभी से टॉस हो, वही उंगली में उठा के दिखाता है कि देखो भाई ये है। कल यहाँ बोल के हम गए थे कि जो मैंने तो MI बोला था क्लियर, इसने बोला था जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी। दोनों की बातें सच हो गई, MI ने चेस किया, जीत लिया। शुरुआत में भाई बैटिंग आई ऊपर से, एक तो अब ट्रेविस हेड भी क्या कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है क्या कि वर्ल्ड कप के लिए मुझे ज्यादा सीरियसली ना ले, मैं तो धीरे ही खेलता हूँ, मैं कहाँ तेज खेलता हूँ। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए, ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। हाँ भाई, ट्रेविस हेड के 48 रन है 30 बॉल्स में, क्या हो गया, ये तो 30 बॉल्स में 100 कर देता था। सच में भाई, मतलब जिन लोगों ने इसको कैप्टन बनाया था आज फैंटेसी में डूब गए वो तो। और ये आउट किससे हुआ है? मिस्टर गोट लेजेंड पीयूष चावला, भाई पीयूष चावला का हुआ है कि मरते दम तक IPL खेलूंगा। हाँ भाई, और जब तक विकेट ले रहे, एक स्पिनर को तो क्या ही चाहिए यार, 4 ओवर अपने टहले डालने को, उनका ऐसा रवि बिश्नोई जैसा रनअप भी नहीं है 15 मीटर का भाई, जमुना से लंबा रनअप है रवि बिश्नोई का, इधर से आ और फिर जाके डाल बॉल। सही बात है। लेकिन पीयूष चावला का काम चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है भाई। पीयूष चावला ने बड़ी विकेट ली है, आउट किया है हेड को, आउट किया अब्दुल समद को और क्लासन को किया है क्लीन बोल्ड, उसको मैं बड़ी विकेट नहीं मान रहा, अब नहीं मान रहा बड़ी विकेट, हो गया क्लासन। मैं नहीं बोल रहा था क्लासन का पेट्रोल हो गया इस सीजन का। मैं और तूने वीडियो बनाई थी, क्लासन इज द गोट, अंडररेटेड, उसको हाइप डिजर्व करता है। कौन सी हाइप डिजर्व करता है, क्लासन कर क्या रहा है भाई? He deserves all the hype for the first 7 matches. अब जैसे प्रेशर गेम्स आ गए कि जिताने हैं, जरूरी है ये करना है, अंदर का साउथ अफ्रीकन बाहर आ रहा है भाई, प्रूव अस रॉन्ग क्लासन यार, जिता दे ट्रॉफी यार, दो इस टीम को जिता दे या साउथ अफ्रीका को जिता दे, सो मच टैलेंट एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। या तो वही है कि कोई गलत चीज दबा दी इसकी, नहीं मॉल में देखा, मॉल में जो भीड़ भड़क की उसको लेके गए। ये हैदराबाद क्राउड ने इसको तंग किया है, तब उसने कहा अब मेरा एल खेले, मेरा एल खेले इनके लिए ग्राउंड, ये इज्जत करते हैं मेरी, ये लैंडियो के लिए, लैंडियो में ऑरेंज लैंडियो के लिए क्लासन। और जो क्लासन ने पहले मैच में KKR को भी धोया था, वो भी मैच निकाला नहीं था। अरे लास्ट इस मैच MI से जो लास्ट मैच हुआ था वो तो सबसे एपिक गेम ही हुआ था, 262 पहली बार तो वही ब्रीच हुआ था, क्लासन भी मार के गया था, अभिषेक हेड सबने मारा था उस मैच के अंदर, मुंबई के अगेंस्ट हुआ, हैदराबाद में था ना, लेकिन था मुंबई के अगेंस्ट। पर इसको चांसेस मिल गए हैं, या तो 2-3 डाउन है और उसके बाद इसको इसका RCB वाला गेम देख,
निकला है, पिछला एक गेम उठा के देख लो, हमारे गेम्स भी एक मैच था। मैं क्लास रन कह रहा हूँ, तो 70-80 रन तो कर, कुछ तो कर क्लास रन तो। लेकिन 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 ओए भाई, माय रो रही है हैदराबाद में, और क्या करूं तेरे कोकबूरा के बल्ले का, कोकबूरा का इसका कोकबूरा का, क्या करूं तेरे कोकबूरा के बल्ले का, डाल ले अपने अंदर। वहां पे केप टाउन में माय रो रही है, अरे हैदराबाद में माय रो रही है, वहां बच्चियां रो रही है, गोवाची गली में रहती है लड़, वहां पे आरते वहां रो रही है कि क्लास रन कब रन मारेगा साले, मान जा। सच में यार, सीरियसली क्लासर ने बहुत डिसअपॉइंट किया यार। लेकिन पैट कमिंस, पैट कमिंस भाई, उसका तो चश्मा, मतलब वेट कर रहा हूं मैं पैट कमिंस कब चश्मा डाल के खेलेगा। है पैट कमिंस, आज मैच के बाद उसने स्टेटमेंट दिया है कि अगले 3 मैच जो होम पे होने वाले हैं उसमें फायर क्रैकर्स के लिए रेडी रहो। और उससे किसी वेबसाइट इंटरव्यू लिया था, CNBC18 ने लिया है, उन्होंने पूछा था कि विच आर द 4 टीम्स फॉर द वर्ल्ड कप टॉप 4, उसने बोला 1 इज ऑस्ट्रेलिया, 3 यू कैन पिक, पूछा हु डू यू वांट, यू कैन डिसाइड, आई डोंट केयर। हाँ भाई, दिस इज पैट कमिंस फेस, दिस इज पैट कमिंस वर्ड्स भाई, बहुत ज्यादा मतलब अलग एटीट्यूड है यार पैट कमिंस के अंदर। हम डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल पार्क के अंदर रणबीर कपूर के अपोजिट पैट कमिंस को कास्ट करो, फैमिली मैन ही है, हाँ, अपनी टीम के साथ ट्रैवल करता है, फैमिली साथ ट्रैवल करता है, इस क्यूट फोटो चलेगा, हेड बिरयानी इन हैदराबाद फुल फॉर अ वीक नाउ, जितना पैसा मिला है रणबीर कपूर जितना घर भी खड़ा कर लिया, मेंशन होगा, उसके बाद टॉक्सिक पापा का अगर इसका ठीक हो जाए, अगर हाँ इसका एंगल ठीक है, पापा एक ही चांस है आपके पास पापा, क्योंकि इसने 35 रन मारे 17 बॉलों पे और एसआरएच को 173 तक तो ले गया था, 7 पे 8 आउट हो गए थे, इतनी बोल्ड कॉल ली 17वें ओवर में, इंपैक्ट सब ले लिया, बॉलर नहीं बुलाया, बैटर बुलाया, बैक किया कि भाई रन्स लगाऊंगा, डिफेंड करूंगा, कर नहीं पाया, अलग बात है, सूर्य पे आएंगे वो तो, बट जो अल्फा माइंडसेट इसका है, आई थिंक ही इज द एनिमल भाई। उसके बाद जब एनिमल इसकी बायोपिक है, जब मुंबई बैटिंग करने आई तो पहले 2 ओवर में रन बने, पर उसके बाद बीच में 3-4 ओवर ऐसे आए, टेस्ट मैच भी पैट कमिंस पूरा टेस्ट मैच भाई, पूरा 6 ओवर में मिलकर उन्होंने चांस में 30 रन दिए दोनों ने, और भाई बीच में 17-18 बॉलर डॉट आ गए थे, जिसमें ईशान किशन की विकेट, रोहित शर्मा की विकेट, ढड़ वो नमन की, नमन दीर तो क्या ही, वो पता पर्ची नहीं, पर्ची प्लेयर नहीं है उसको, तो राहुल द्रविड़ का फोन आया हुआ है कि भाई सुनो हार्दिक, नंबर 3 पे वर्ल्ड कप में खिलाना है विराट को, तो 4 पे सूर्य खेलेगा, तो नंबर 3 पे किसी को भी लैंडी को डाल दे, लैंडी को डाल दे भाई, अगर कोहली वाला माहौल देना है तो किसी अच्छे बैटर को, पर मुंबई इंडियंस पे तो उसने बैटर नहीं किया ना, उसने काम तो बाहर को डाल दो, नमन को खिला दे, तिलक तो नीचे आ रहा है, नमन को खिलाते हैं, वॉकिंग विकेट है भाई, 9 बॉल ने डॉट करी, उसके बाद विकेट वॉक करके चला गया, और बीच में जो पैट कमिंस के स्लो ओवर डाली, मेडन विकेट डाला है पैट कमिंस ने ओवर, तो यार ये एसआरएच ट्राई तो करती है, लेकिन सूर्यवंशी खड़ा हो गया भाई, और भाई जिसने जो भी बोला उसे मिनो बैशर ये वो, मैं तो सूर्य को फुल बैक करता हूँ, इंडिया में अगर T20 किसी ने क्रैक किया हुआ है तो वो सूर्य कुमार यादव ही है, वो 30-40 तो बोल रहा था मिनो बैशर में, मैंने कभी नहीं बोला है सूर्य कुमार, आयरलैंड आयरलैंड को नहीं छोड़ना ही नहीं है, लेकिन बाकी टीम के भी अगेंस्ट, अगर किसी के पास T20 का कोड है वो सूर्य ही है भाई, 40-50 नहीं मारता, सेट हो गया तो फिर सेंचुरी मारता है, और सामने हार्दिक पांड्या भी नहीं था, तिलक वर्मा था, उसने कहा कि पाजी तोड़ी मैं पूरी सेंचुरी पूरी करानी है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या आ जाता पूरे टूर्नामेंट नहीं मारे, आज 4-5 छक्के मार गए, सूर्य नॉट आउट 68 पे जा रहे तो पांड्या नॉट आउट 50 पे, सूर्य 68 पे, सूर्य भाई मजा आया, 102 रन मारे 51 बॉल्स पे, और भाई अच्छी इनिंग थी, मतलब 4 में जो हमारी सेंचुरी आई है, रोहित की, विराट की, यशस्वी की, सूर्य की, सूर्य की फास्टेस्ट, और भाई सूर्य पहले 10 बॉल है थोड़ा सा देख देख के खेल रहा था, आया 31 पे 3 पे, कितना प्रेशर है वही, उसके बाद लेकिन एक बार जब सेट हो गया तो वो जो पेस आ रही थी, और जो ग्रीन पे बॉल वही है, अगर पिच ज्यादा ही ग्रीन है और अगर बॉल बैट पे तेज आ रही है तो सूर्य मजे, उसको नहीं पसंद, सूर्य को चेन्नई की पिच, लखनऊ की पिच की स्लो आ रही है, तेज उसे जितनी करा ले, मैं तभी तो कहता हूं मैं के अंदर सूर्य को बार एक ही है, उसे पता है ना तेज, वो प्रैक्टिस ही करता है दीवार में बॉल मार, तो ग्रीन उस पे कराया जा रहा था पैट कमिंस, उसको पकड़ लिया, नटराजन को पकड़ा, बल्कि जो छक्का मार के 100 किया है वो भी सही था, सूर्य कुमार यादव मजा आया, पर भाई मुंबई इंडियंस का चांस है, नहीं चांस कोई नहीं है, तिलक वर्मा ने भी 400 रन कर लिए सीजन के अंदर बाय द वे, आई थिंक अगर कोई रिटेन होना डिजर्व करता है नेक्स्ट ईयर इस टीम से, वो तिलक वर्मा भी करता है, 3 साल से कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, इंडियन टीम में आया उतना नहीं फटा जो उसको लिमिटेड चांस मिले, बट मुंबई के लिए कंसिस्टेंटली बढ़िया कर रहा है ये बंदा, ईशान किशन को देख लो भाई अब क्या करना है, रोहित शर्मा भाई प्लीज वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, सब उठ गए, सब खड़े हो गए, बटलर सॉल्ट देखो कहां है, आप भी आ जाओ यार फॉर्म में प्लीज, आरसीबी पता नहीं कुछ मजा कराएगी मुझे लगता है, लेकिन छोड़ दे, अभी डीसी वर्सेस आरआर का आज मैच है, हु आर यू गोइंग विद,
डीसी वर्सेस अरुण जेटली स्टेडियम में स्ट्रॉन्ग लग रही है अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं मेरा तो एक ही एजेंडा है जिससे एलएचजी का फायदा हो जाए उस टीम के साथ आरआर मैं तो स्टेडियम में मैचिंग में जा ही रहा हूँ होपफुली व्लॉग भी निकाल लूंगा आई एम आल्सो गोइंग विद आरआर लेकिन स्क्रीन पे आएगा आज भी स्क्रीन पे पता नहीं कैमरा मैन ढूंढ लेता मुझे तू बैठता बंदियों के साथ है ना नहीं हमारे तो टिकट दी जाती है कि तुम साथ बैठो हाँ जो भी है तो मैं बंदियों के साथ लड़कों के साथ बैठा हुआ था बस अच्छा फिर तुम पे क्यों जाता है पता नहीं आई थिंक सुंदर कैमरा मैन मेरे टाइम में लड़की होती है तो कहती है कि अरे तरह क्यूट ही और टीम इंडिया की जर्सी भी आज रिवील हो गई है जिन्होंने हमारा लास्ट टू लास्ट लाइव देखा था उन्हें पता है कि दिस गाय ही टोल्ड अस ही गेव अस द इनसाइड इंफॉर्मेशन की जर्सी भगवा होने वाली है पहले वो प्रेडिक्शन थी अब सही होगी तो इनसाइड इन्फो दिया भाई सो वेल डन यार तरन और ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन तू देता रहे लैंडी भाई इज्जतदार शब्द बना देंगे हम लैंडी को कि लैंडी है लेकिन जानकारी इन पे पूरी है जर्सी कैसी लग रही है तेरे को मुझे जर्सी ओके लग रही है अगर ज्यादा महंगी हुई तो नहीं खरीदूंगा रिंकू सिंह से मांग लूंगा कि भाई उसके तो काम वैसे भी नहीं आने वाली कि आपको तो पहननी है नहीं भाई और बैट ले जा रहे थे आप दूसरों को तो हमें एक जर्सी तो दे ही सकते हो मुझे लैंडी लगा उसका प्रेजेंटेशन जो उसका लॉन्च हुआ है लॉन्च मैं बताता हूँ VFX poor than Red Chili's Entertainment 3 out of 10 आदि पुरुष हेड बेटर VFX मतलब ये शूट हो गया था धर्मशाला में जब इंडिया इंग्लैंड का लास्ट टेस्ट मैच था और तभी रोहित शर्मा का भाई बस आप ऊपर देख लो रोहित शर्मा को पता ही नहीं क्यों ऊपर दिखा रहे अरे भैया बस आप ऊपर देख लो कुछ तो है तो जो जो वर्ल्ड सबका शूट कर लिया लेकिन जो जो वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुआ उसका शॉट डाल दिया कि ऊपर से जर्सी आ रही है वो सारा VFX किया गया टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो जर्सी भाई पसंद नहीं आई मेरे को 2023 की जो जर्सी थी वर्ल्ड कप वाली क्लास ये भी मुझे ठीक लग रही है कोई दिक्कत नहीं है ये तो भाई men with this fashion sense मैंने तो आज बाबर आजम की वाली फोटो देखी तो मुझे अच्छा लगा कि someone has worse ड्रेसिंग सेंस देन माइंड पर इंडिया की जर्सी थोड़ी बेटर मतलब अभी स्विगी वाले लग रहे हैं यार स्विगी वाले लग रहे हैं पेट्रोल पंप वाले लग रहे हैं ठीक है जिस दिन नेशनल एंथम गाएंगे ना ये पहन के इंडिया वाले लगने लग जाएंगे तो मतलब ये तो ऑब्वियस है पर हम क्रिटिकल नहीं हो रहे मतलब जर्सी मैं लॉन्च को लेकर क्रिटिकल हो रहा हूँ वो मुझे बहुत लेनी है जर्सी बिल्कुल अच्छी लगी मुझे अच्छा तुम बता दो भाई 2023 वाली जर्सी वर्ल्ड कप की अच्छी थी 2024 बेटर बेटर तो वही है बेटर तो वही तो व्हाई चेंज इट Or you can change it. ODI और T20 की अलग रखनी होती ठीक है you can change it. हाँ. इतना बड़ा डिफरेंस कि तुमने बिल्कुल ही हो जाता है लास्ट टाइम हमने ऐसी जर्सी के साथ खेला था पता 2019 वर्ल्ड कप में केदार जाधव ने मैच फिनिश किया था कहाँ फिनिश किया था हार गए थे वो मैच इंग्लैंड वाला धोनी इंग्लैंड वाला उसी में खेला था वो यार इस बार तो पूरा टूर्नामेंट खेलना है रविंद्र जडेजा ने कैच अच्छी पकड़ी थी पर इंग्लैंड ने भूत बनाया था जर्सी देखकर तो एक तो पनौती भी लेके आ रही है जर्सी और सही रहेगा भाई फिंगर्स क्रॉस आई एम ऑल अप फॉर दिस जर्सी कैमरा के पीछे बोल रहा था जर्सी लॉन्च मुझे बेकार लगा मुझे सबसे एपिक लॉन्च लगा था 2015 की जर्सी जो MCG की छत पे हुआ था भाई सारे प्लेयर्स निकल के आए थे वो कुछ लेवल वाली बात थी ना ये मुझे लॉन्च इसका हल्का लगा व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द जर्सी डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बाकी आज के मैच की प्रेडिक्शन भी बताओ रोहित शर्मा फॉर्म में कैसे आएगा वो भी बताओ और हम आपसे मिलेंगे कल के मैच की रिपोर्ट लेके कल सुबह सी यू ऑल सब्सक्राइब कर दो हमें आईपीएल खत्म होने से पहले 100 प्लेयर में यार प्लीज एक सिल्वर बटन आ जाएगा दो गरीबों दो लैंडियों के घर तुम्हारा क्या जाएगा भाई प्लीज ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए